हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग सिलेंडर के दूसरे क्लास में हैं और जो है इस क्लास में हम लोग जो है आगे की पढ़ाई का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था अतिरिक्त दिन निकालना, जिसमें हम लोगों ने वर्षों का अतिरिक्त दिन और दिनों का अतिरिक्त दिन निकालना हम लोग सीख गए थे। हम लोगों ने सीखा था 100 वर्ष का अतिरिक्त दिन 5 दिन, ध्यान देंगे 100 वर्ष का अतिरिक्त दिन 5 दिन है ना, 200 वर्ष का अतिरिक्त दिन 3 दिन और 300 वर्ष का अतिरिक्त दिन जो है 1 दिन, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 इसी तरह से आगे जितने भी हैं सबका अतिरिक्त दिन 0। 400 के गुणज वाले जो हैं 400, 800 वर्ष, 400 वर्ष, 800 वर्ष, 1600 वर्ष, 1200 वर्ष, 2000 वर्ष, ये सारे का 0। आपको तीन ही आपको यहाँ पर है, आपको 100, 200, 300 आपको समझाए थे, 5 विषम संख्याएं हैं, जैसे हाथ में 5 विषम, 100 का हो गया 5 पक्का पक्की है ना, 200 का हो गया 3 और 300 का हो गया 1 है ना। ये आपको तीनों विषम संख्या 5, 3 और एक लगातार शुरू का तीन विषम संख्या, ये घटते क्रम में वर्ष जब बढ़ेगा 100 का 200 फिर 300 तो इधर जो है आपको 5, 3 और 1 होगा। इसको याद करना रखना दिमाग में, कोई भारी चीज नहीं, कंसेप्चुअल है, मैंने इसको कंसेप्ट से बताया था 100 वर्ष का 5 दिन है ना, तो ये आपको हमेशा याद हो गया होगा। अभी हम लोग कुछ महीनों का जो है अतिरिक्त दिन सीखेंगे है ना, उसको भी मौखिक हम लोग याद रखेंगे है ना जो होता है। अभी सबसे पहले आप जानिएगा कि कितने महीना जो है आपको वर्ष में कितने महीना जो है 31 दिन का होता है, कितने महीना 30 दिन का होता है, कितने महीना 28 या 29 का होता है। तो सिर्फ फरवरी ही जो है 28 और 29 का होता है, बाकी 11 महीने जो है 30 और 31 के होते हैं। तो 7 महीना जो है 31 दिनों का होता है और 5 महीना 4 महीना जो है आपको 30 दिनों का होता है। 30 दिन वाले 4 माह होते हैं है ना, 31 दिन वाले जो है 7 माह होते हैं और 1 महीना जो बचता है आपको वह होता है फरवरी है ना। फरवरी महीना में या तो 28 लगेगा या तो 29 लगेगा। तो आपको ध्यान देना है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर है ना, 30 दिन का माह सितंबर, 30 दिन वाला देखिए ऐसे रहता है, 30 दिन का माह सितंबर है ना, ध्यान दीजिएगा, एक तो हो गया सितंबर, अप्रैल है ना, 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर है ना, 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। तो ये 4 महीना देखिएगा, एक सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, बाकी सबको 31 जानो है ना, फरवरी एक दिन, फरवरी 28 दिन का फरवरी मानो, ऐसे होता है, बाकी सबको 31 जानो, 31 दिन का है, 28 दिनों का फरवरी मानो, लीप ईयर जब आता है फरवरी एक दिन बढ़ जाता है, ये आपको दोहा याद रखना है इसको जो है। तो ये चीज समझना है आपको कि 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, बाकी सबको 31 जानो है ना, 28 दिन का फरवरी मानो, लीप ईयर जब आता है फरवरी एक दिन बढ़ जाता है।
तो इससे आपको सारे महीना के बारे में जानकारी पता चली न गया। आपको फरवरी हो गया 28 दिन का, एक दिन बढ़ सकता है फरवरी। अब आपको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसमें कि चार ही महीना जो आप सितंबर अप्रैल जून और नवंबर जो है 30 दिन का, बाकी सबका सब 31 दिन का है। जनवरी आपका 31 दिन का है, फरवरी 28 या 29 का लगेगा, मार्च 31 का होगा, है ना। एक के बाद तो एक 31 का होता ही है, लेकिन कभी कभी लगातार 31 का भी हो जाता है। जैसे आपको दिसंबर जनवरी में 31-31 का होता है, फिर जुलाई और अगस्त लगातार वर्ष है जुलाई अगस्त जो कि 31-31 का होता है। तो थोड़ा सा अनुभव रखिएगा तो सारे महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीना में कितना दिन होता है, ये आपको पता चल जाएगा। ये जानकारी भी है आपको कि 30 दिन का माह सितंबर अप्रैल जून और नवंबर, चार ही होते ही दिमाग में रखना है 30 का होता है, बाकी सब 31 का होता है। बाकी फरवरी जो बच गया वो या तो 28 का होगा या तो 29 का होगा। लीप लगेगा तो फरवरी 29 का होगा, लीप नहीं लगेगा तो फरवरी कितने का होगा, 28 का होगा। तो इतना चीज समझना है आपको, 30 दिन का माह सितंबर अप्रैल जून और नवंबर, बाकी सबको 31 जानो, 28 दिन का फरवरी मानो। लीप ईयर जब आता है फरवरी एक दिन बढ़ जाता है ना। ये दोहा चौपाई जो भी हो, है ना, इसको बढ़िया से जो है दिमाग में रखना है। यदि इतना दिमाग में आपको है तो आप जो है हर एक महीना का भी अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं। हर एक महीना का आप देखिएगा अतिरिक्त दिन निकलेगा, ध्यान से समझिए। जैसे आप आ जाइए जनवरी में सबसे पहले, है ना, जनवरी का अतिरिक्त दिन आपको जनवरी 31 का लगता है, जनवरी 31 का होता है। तो आप समझिए जनवरी जब 31 का होगा तो जनवरी का कई दिन होगा, 28 और 3 31, है ना, 7 चौका 28, 31 में भागा देंगे, जनवरी 31 का लगता है 7 चौका 28, और 3 शेष बचता है तो 3 दिन जनवरी का हो गया। फरवरी का देखिएगा क्या होता है, फरवरी का जो है आपको कितना होता है, फरवरी 28 भी लगता है और 29 भी लगता है। तो जब सामान्य वर्ष रहेगा तब फरवरी 28 का होगा, और 28 में 7 से भागा देंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। और लीप वर्ष रहेगा तो फरवरी 29 का रहेगा तो इसका 1 हो जाएगा, है ना, 29 में 7 से भागा देंगे तो 7 चौका 28, 1 बचेगा। फिर मार्च का आ जाइए, है ना, ये मार्च में देखिएगा क्या होता है, ये मार्च में देखिएगा क्या हो जाता है, मार्च में जो है आपको 31 का लगेगा, मार्च 31 दिन का होता है। तो ऐसे स्थिति में जो है आपको 3 दिन हो जाएगा, 28 और 3 31 7 चौक 28 3 31। अप्रैल में आइए तो अप्रैल 30 का लगेगा, ध्यान से समझिएगा, अप्रैल 30 का लगेगा तो 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा, तो 2 शेष बचेगा तो आपका यहाँ 2 हो गया अप्रैल का, है ना। मई का आप चले आइए, मई का जो है आपको जो है 31 दिन का होता है, तो 7 चौक 28 और 3 31, है ना, मई 31 दिन का होता है। जून में चले आइए तो ये जून में जो है आपको 30 दिन का होता है, है ना, तो जून 30 दिन का होता है तो इसका भी 2 हो जाएगा। आप जरा देखिएगा 6 माह का आपको निकाल चुके हैं, जून 6 माह होता है, अभी तक 6 माह का हो गया, और जरा इधर हम अलग 6 माह का निकालें, 6 माह का इधर हो गया, है ना, जून के बाद जुलाई आ जाए, ध्यान से समझिए, जुलाई, जुलाई 31 का लगता है, तो 31 का लगेगा तो 7 चौक 28 और 3 31, 3 आएगा। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त आपको जो है 31 दिन का होता है, 7 चौक 28 3 31 3 बचेगा अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर, है ना, तो सितंबर में क्या होता है इसको समझना, सितंबर में 30 दिन का होता है तो 7 चौक 28 और 2 30, 2 हो गया। उसके बाद में अक्टूबर में आ जाइए, अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर 31 का लगता है, तो अक्टूबर 31 का लगेगा 7 चौक 28 और 3 31। अक्टूबर के बाद नवंबर में आ जाइए, नवंबर 30 दिन का होता है तो 2 दिन हो जाएगा, है ना। फिर दिसंबर में चले आइए, है ना, तो दिसंबर में क्या होता है इसको समझना, तो दिसंबर आपका 31 दिन का लगता है तो इसका भी हमारा क्या होगा, 3 दिन हो जाएगा। आप देखिएगा कि जो है आपको यहां से हम 6 माह का
छह माह यानी जून तक, ध्यान से समझिएगा, जून तक, जनवरी से लेके जून तक का अतिरिक्त दिन निकालते हैं, है ना। ये जोड़िए जरा सा, तो जोड़ने पर जो है क्या आता है, तीन और तीन छो और दो आठ, तीन ग्यारह और दो तेरह, है ना। ये जोड़ने पर जो है सामान्य वर्ष की स्थिति में इसका जो है तेरह होगा, और लीप वर्ष जब आएगा तो यहाँ एक हो जाएगा तो चौदह हो जाएगा। जैसे लीप वर्ष काउंट करेंगे, फरवरी को लीप वर्ष के रूप में काउंट करेंगे 29 दिन का, तो ये 14 जोड़ के आएगा, और सामान्य वर्ष यदि रहेगा तो तीन और तीन छो और दो आठ, तीन ग्यारह और दो तेरह आएगा। तो इसका दो चीज आ गया आपको, या तो 13 जोड़ के आएगा या फिर लीप वर्ष रहेगा तो 14 जोड़ के आएगा। आप 13 को, 13 दिन को छोटा बनाएंगे हम लोग, 7 से भागा देंगे तो 7 और 6 13, तो ये 6 दिन हो गया, है ना। या फिर जो है आप ध्यान दीजिएगा, 14 दिन में आपको 7 से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये जवाब हो जाएगा आपको 0 दिन, है ना। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि 7 ये जून तक 6 माह का अतिरिक्त दिन 6 दिन, जून छठा महीना होता है तो 6 माह का अतिरिक्त दिन 6 दिन होता है सामान्य वर्ष की स्थिति में, और जब लीप वर्ष रहेगा तो 0 दिन। तो देखिएगा आपको लगातार 6 महीना का आप अतिरिक्त दिन निकाल लिए, 6 महीना का अतिरिक्त दिन आपको 6 दिन होता है, या फिर जब लीप रहेगा तो आपको 0 दिन रहेगा। तो इसको समझना है, अध्ययन करना है आपको कि 6 महीना का, आपको 6 महीना का निकालना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको याद रहेगा आपको कि 6 महीना का 6 दिन होता है, है ना। जून तक जो है आपको 6 दिन होगा, 6 महीना जून तक होता है, जून छठा महीना होता है, तो 6 महीना का 6 दिन हो जाएगा, और उसके बाद में जो है जब लीप रहेगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन लीप नहीं रहेगा तो 6 महीना का 6 दिन होगा। तो ये अध्ययन रखना है आपको कि इसका अतिरिक्त दिन आप निकालिए। फिर इधर सबका जान ही रहे हैं अतिरिक्त दिन, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा रटिएगा नहीं, आप जो फॉर्मूला बताए 30 दिन का माह सितंबर अप्रैल जून और नवंबर, है ना, बाकी सबको 31 जानो, फरवरी को 28 मानो, है ना, 28 दिन का फरवरी मानो, फरवरी एक दिन बढ़ जाता है जब लीप ईयर आ जाता है। तो ये सब अध्ययन रखना है आपको, इतने ही खाली उसको दिमाग में रखना। आप देखिए आपको जो है सारा बात पता चल गया, तो आप जो है आप प्रश्न हल कर सकते हैं, जो एग्जाम में प्रश्न आता है उन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अभी एक प्रश्न हम लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका सीखते हैं, कैलेंडर का जो है वास्तविक ज्ञान हम लोग सीखेंगे, ध्यान देंगे, वास्तविक ज्ञान कैलेंडर का सीखेंगे। देखिए एक्स्ट्रा डे निकालना नहीं सीखना होता, आप यदि अच्छा ढंग से एक्स्ट्रा डे निकालना जानते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिएगा हम एक प्रश्न लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन है आपको, है ना, प्रश्न में है आपको 26 जनवरी भारत गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को सब कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये प्रश्न है। देखिए हम लोग के पास में आजकल मोबाइल है तो हम लोग उससे हम लोग निकाल सकते हैं मोबाइल के द्वारा, है ना, लेकिन हम लोग को जो परीक्षा होता है उसमें मोबाइल ले जाना नहीं होता है, और हम लोग को ऐसे ही जवाब देना होता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, है ना। तो इसका सोल्यूशन हम लोग जानेंगे कि कैसे सोल्यूशन निकलता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग ईसवी सन के प्रारंभ से ले करके, है ना, जैसे आपको समझना ईसवी सन के प्रारंभ से लेके 26 जनवरी 1950 तक का अतिरिक्त दिन निकालते हैं, ईसवी सन के प्रारंभ से लेके, मतलब कि 26 जनवरी 1950 तक का हम लोग जो है अतिरिक्त दिन निकालते हैं। तो यहाँ तक आने में देखिए 26 जनवरी 1950 चल रहा है, तो जरा 50 के बारे में विचार कीजिए, 50वां साल जो है जनवरी में है और 26 तारीख जनवरी में है, यानी 50वां साल पूरा नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी साल
पूरा होता है 31 दिसंबर को, है ना। यदि बीच का कोई भी तिथि है 31 दिसंबर छोड़ करके कोई भी तिथि रहेगा तो उस साल को जो है अधूरा साल माना जाएगा, है ना, पूरा नहीं हुआ। जैसे आपको डेट लिखा हुआ है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को साल पूरा थोड़ी होता है, साल पूरा होता है आपको 31 दिसंबर को, है ना। और कोई भी साल रहे तो किस दिन पूरा होगा, 31 दिसंबर को ही जाके पूरा होगा, उसके पहले पूरा होने वाला नहीं, कोई भी साल रहे, है ना। तो आपको समझना है यहाँ पर कि कोई भी साल रहेगा तो वर्ष, कोई भी वर्ष रहेगा, साल रहेगा, कोई भी वर्ष रहेगा तो जाके पूरा होगा आपको 31 दिसंबर को ही पूरा होगा। तो आपको समझना है यहाँ पर ही कि हमको निकालना 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो ईस्वी सन के प्रारंभ से लेके 26 जनवरी 1950 तक का हम लोग अतिरिक्त दिन निकाल देंगे, उसके आधार पर बताएंगे कि कौन सा अतिरिक्त दिन होगा। जैसे अतिरिक्त दिन मेरा मान लो निकालते हैं और एक आ गया मतलब सोमवार हो जाएगा। यदि अतिरिक्त दिन निकाले और दो आ गया तो दो आने पर मंगलवार होगा, एकदम सीरियल होता है, एक आने पर सोमवार, दो आने पर मंगलवार, तीन आने पर बुधवार, चार आने पर बृहस्पतिवार, पांच आने पर शुक्रवार और छह आने पर शनिचरवार, और सात तो आएगा नहीं, सात से भागा देने पे जीरो आता है, तो जीरो आने पर रविवार। तो इतना चीज सिंपल रहता है, आपको कहीं कोई कोड फोड याद करना नहीं, एकदम क्रमानुसार सारा चीज होता है। एक मतलब सोमवार, एक आया तो सोमवार, दो आया तो मंगलवार, तीन आया तो बुधवार, चार आया तो बृहस्पतिवार, पांच आया तो शुक्रवार, छह आया शनिचरवार, सात आ गया अतिरिक्त दिन, सात तो आएगा नहीं, है ना, सात तो आएगा नहीं, जीरो आएगा उसके जगह पर, तो जीरो आ गया अतिरिक्त दिन तो रविवार हो जाएगा। ये अध्ययन आपको रखना है पूरा समझदारी के साथ में, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसका अतिरिक्त दिन निकालते हैं। तो दो पार्ट हो गया, एक वो जो है पूरा जो साल है वह, एक अधूरा साल है वह। अधूरा किसको मानेंगे, जिसका अभी 31 दिसंबर नहीं पास आउट हुआ, जिस साल का 31 दिसंबर गुजर गया हुआ नहीं, खत्म हो गया, पूरा हो गया। लेकिन मान लो जिस साल का 31 दिसंबर अभी नहीं आया है, आना बाकी है, तो उसको अधूरा साल हम लोग गणना करते हैं। जैसे 50 आपका जो है अधूरा है, क्योंकि 50 का 31 दिसंबर अभी नहीं आया, 26 जनवरी तो अभी चल ये रहा, 50 में जो है 26 जनवरी चल रहा है, तो 50 पूरा नहीं हुआ, 49 तक पूरा हो गया, तो हम लोग पूर्ण वर्ष का गणना पहले कर लेंगे। अभी देखिएगा, सबसे पहले ईस्वी सन से कई सौ वर्ष पूरा हो चुका है, 1900 वर्ष पूरा हो चुका है, ध्यान से समझिएगा, ईस्वी सन से आपको जो है 1900 वर्ष पूरा हो चुका, 1900 वर्ष पूरा हुआ, ध्यान से समझिएगा, 1900 वर्ष कंप्लीट हो गया, है ना। 1900 पूरा होने के बाद में 49 वर्ष पूरा हो गया, ध्यान से समझिएगा, 19 वर्ष पूरा होने के बाद में 49 वर्ष पूरा हो गया, जरा और समझिएगा, 1949 साल तक गए, 50वां साल पूरा नहीं होगा, अभी पूरा है ही नहीं, क्योंकि वह जो है 50वां साल पूरा होगा 31 दिसंबर को, अभी 31 दिसंबर आना बहुत बाकी है, अभी तो जनवरी ही चल रहा है, 26 जनवरी, है ना। तो आपको समझना 1900 साल पूरा हो गया, उसके बाद 49 वर्ष पूरा हो गया। आप जानते होंगे कि 49 वर्ष जो है इसमें हर एक सता चार चार साल पर लीप आएगा, तो इसके बाद लीप लगने के कारण आपको जो है अतिरिक्त दिन जो होता है वो बढ़ता है, जितना लीप लगता है उतना अतिरिक्त दिन क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको बताइए 49 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन आपको जो है, कितना मतलब कि लीप लगेगा, तो ये 49 वर्ष में चार चार साल पर लीप लगेगा, चार से इसको भागा देंगे कितना भागफल आएगा, है ना, चार से इसमें भागा देंगे तो 12 चौक 48 होता है 12, आपको लीप की संख्या होगा वह भी अतिरिक्त दिन कहलाएगा, है ना। तो ये 12 दिन किसके कारण आ गया, 12 दिन आ गया आपको जो है इसके कारण, है ना, लीप के कारण आ गया, 12 दिन बढ़ जाएगा अतिरिक्त दिन। अब यहाँ से समझिएगा, ये सब हटा दीजिए वर्ष को, है ना, वर्ष रखने से कोई फायदा नहीं है, आपको 1900 हो गया, 49 हो गया, 1900 49 हो गया, उसके बाद में ये 12 दिन बढ़ गया। अब जरा आइएगा, अब जो हम लोग जो है अधूरा जो 50वां साल बच गया, अभी तक तो 49 का कैलकुलेशन हुआ, ध्यान से समझिएगा, अभी तक जो कैलकुलेशन हुआ 1949 साल तक का, 1950 तक का नहीं हुआ, लीप तक जो गणना किए यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से समझिएगा, अभी तक जो यहाँ तक गणना किए 1900 साल हुआ, 49 साल हुआ, 1900 के बाद 49 साल पूरा हो गया,
उसके बाद में जो है 49 साल में 12 को लीप लग गया, 12 6 48। तो यहाँ तक जो कैलकुलेशन किया 1949 तक का आपका गणना हुआ। आप देखिएगा कि इसके बाद जो गणना करना है हमको वह 50वां साल में गणना करना है। अब 50वां साल में अभी जनवरी हुआ है ना, 50वां साल में आपको 1950वां साल में, 50वां साल में केवल अभी जनवरी हुआ है, वह अभी कई तारीख तक, 26 तारीख तक। तो जनवरी में मात्र 26 दिन हुआ, 50वां साल में अभी केवल जनवरी आया है, और जनवरी कहाँ तक आया, 26 तारीख तक। तो ये 50वां साल में आपको 26 दिन जो है आपका जनवरी का हो गया, तो बस अतिरिक्त दिन आपका निकल गया है। अब सारा मामला आप जानते हैं, सारा चीज आपको पता है, पूरा आसानी से बन जाएगा, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं। इसको समझना, 1949 साल पूरा हमने ले लिया, उसके बाद में 49 साल में लीप 12 को हो गया, उसके बाद में 50वां साल जो अधूरा साल है, जो अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा होता है साल 31 दिसंबर को, 50वां साल अभी अधूरा है, क्योंकि 50वां साल में अभी 31 दिसंबर नहीं आया या नहीं गुजरा। तो आपको जो है 50वां साल में जनवरी महीना में आपको 26 दिन और हुआ, तो पूरा का पूरा हम दिन लिख देंगे तो हमारा जो है अतिरिक्त दिन पता चल जाएगा, उन्हीं सब का हम लोग बता सकते हैं। 1900 में से जो है आप समझिएगा, देखिए आपको 400, 800, 1200, 1600 और 2000, 2400, 2800 ये सब का जीरो होता है ना। तो 1900 में से 1600 तक तो जीरो हो गया, ईस्वी सन के प्रारंभ से गिनना है 1900, तो 1900 से ईस्वी सन के प्रारंभ से हम लोग 1600 तक का तो जीरो हो गया, तो 1600 तक का जीरो हो जाएगा, आप समझिएगा 1900 में 1600 तक का जीरो हो गया, तो 1600 के बाद 2300 बचा, 300 बचा, ध्यान से समझिए। 1900 लिखा हुआ है तो 1600 का जीरो, ध्यान से देखिए, 1600 वर्ष ईस्वी सन के प्रारंभ से लेकर 1600 साल तक जीरो हो गया, तो 1600 साल तक तो जीरो हो गया, तो 1600 साल के बाद में 2100 साल बचा, 300 साल और बचा, तो ये 300 साल का क्या होगा, 300 का एक दिन, इसको दिमाग में रखना है, तीन बात को है ना, ये तीन बात को दिमाग में रखना है, 100 का 5 दिन, 200 का 3 दिन, 300 का 1 दिन, 100 का 5 दिन, 200 का 3 दिन, 300 का 1 दिन, 100 का 5 दिन, 200 का 3 दिन, 300 का 1 दिन, 300 का 1 दिन, 200 का 200, 300 का 1 दिन, 200 का 3 दिन, और 100 का 5 दिन, उलट पुलट के 5 बरा करके उसको दिमाग में रखना है, सीटिंग करके रखना है। आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे कॉन्सेप्चुअल है, पूरे कॉन्सेप्ट को हम बता दिए थे, 100 का 5 दिन, 200 का 5 को नीचे 10 दिन बताए थे ना, 100 का 5 दिन भी याद है, तो 200 साल का 5 गुणी के 10 दिन, 10 दिन का पता है 3 दिन, वैसे याद हो गया, 300 साल का, 100 साल का 5 दिन है तो 300 साल का 5 किया 15 दिन, 15 दिन मतलब 1 दिन, नहीं याद है तो कैसे, उसको हर तरीका से उसको अंदर मेमोरी रखना। अभी आपको 1900 साल है, तो 1900 साल में आपको 1600 साल का जीरो हो गया, बचा है आपको 300 साल, और 300 साल का आपको जो है 5 किया 15 एक दिन हो जाएगा, 100 साल का 5 दिन याद है तो 200 का आपको जरूरी नहीं याद रहे, आपको 100 साल का 5 दिन तो 300 का 5 किया 15 दिन का एक दिन निकाल लेगा, दिमाग से निकाल लेगा। अब यहाँ से आप 49 है, 49 में भागा 7 से देना है अतिरिक्त दिन निकालने के लिए, जानते होंगे कि अतिरिक्त दिन का मान 7 से छोटा होता है, तो इसमें भी 7 से भागा देंगे है ना, तो 7 से भागा देंगे तो 49 पूरा पूरी कट जाता है, तो इसका हो जाएगा 0 दिन, और इसमें भी 7 से भागा देंगे, हरेक में 7 से बाकी भागा देना, हरेक पद में देना, ये फर्स्ट पद का आपको दिमाग से निकालना है, और हरेक में 7 से भागा देके निकालना। अभी आपको देखिएगा 7 × 7 और 5 × 12 यहाँ 5 बचेगा, फिर प्लस आ जाइएगा यहाँ, इसमें भी 26 में भी 7 से भागा देके शेष निकालना है, तो आपको यहाँ से अध्ययन करना है आपको कि आपको सीखना है इसमें कि आपको 7 × 21 और 5 × 26। अब यहाँ से देखिएगा जरा सा, ये 5 दिन, ये 5 दिन और ये एक दिन, 5 × 5 = 10 और एक कई दिन हो गया 11 दिन, तो 11 दिन भी जो है आपको 11 दिन भी बड़ा माना गया है ना, 7 से कम होता है, अतिरिक्त दिन का मान हमेशा 7 से कम होना चाहिए, यदि कम नहीं है तो 7 से भागा लगा के उसको फिर शेष के द्वारा हम लोग जो है कम करते हैं, तो इसमें फिर 7 से भागा देंगे, 7 × 7 शेष कितना बचा, 4 बचेगा, तो फिर शेष निकालेंगे, और ये 4 दिन आ गया, 4 दिन आया का मतलब सप्ताह का चौथा दिन, 4 आया इसका मतलब सप्ताह का चौथा दिन। अब बताओ सोमवार से गिनो, सोमवार पहला दिन, मंगल दूसरा दिन, बुध तीसरा दिन, और बृहस्पति चौथा दिन,
ये चौथा दिन आपको बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो ये जवाब समझिएगा आपको बृहस्पतिवार आ जाएगा, है ना। तो ये निकल जाएगा आपको 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, बहुत ही फेमस डेट है, उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। तो ये गणतंत्र दिवस हम लोग जो पहला गणतंत्र दिवस मनाए थे वह किस दिन मनाए थे, है ना, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार को मनाए थे, है ना। तो ये हमारा निकल गया बहुत आसानी से। अभी और ध्यान देंगे जो है, मान लीजिए कि आपको रहेगा ये आजाद हुआ था देश जो है हमारा कौन तारीख को, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जरा उसका भी हम लोग देख लें कि कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को सप्ताह का कौन सा दिन था, अब देखिएगा इस प्रश्न का भी जवाब देंगे। सबसे पहले 1900 साल बीत गया, इसको लिखिए 1900। अच्छा, 47वां साल का अगस्त महीना चल रहा है, तो 47वां पूरा नहीं है क्योंकि साल पूरा होता है 21 दिसंबर को, तो 47वां साल में अगस्त महीना चल रहा है, 15 अगस्त चल रहा है, तो 47वां पूरा नहीं है, तो गिनना है जो पूरा है पहले उसको, तो पूरा 46 तक हुआ, 47 आपका पूरा नहीं हुआ, तो आपको 46 आपका 46 तक गणना कर लेंगे। आई 46 वर्ष में लीप कितना लगेगा, 4-4 साल पर लीप होता है, तो 46 वर्ष में लीप कितना हो गया, बीते हुए 46 वर्ष में लीप की संख्या, है ना, या पूरा हो गए 46 वर्षों में लीप की संख्या, ये बीते हुए 46 वर्षों में लीप की संख्या 4-4 साल पर जो है कितना होगा, जरा समझना है, 11 चौक 44 होता है, 11 को लीप हो जाएगा। अब देखिए ये जो है हम लोग का पूर्ण वर्षों का हिसाब किताब हो गया, अब जो इसके बाद जो हिसाब किताब करेंगे, जो हम लोग 47वां साल जो छोड़ दिए है ना, अभी तक बीते हुए साल या पूरा हो चुके साल का है, और जो साल कम्प्लीट नहीं हुआ है, जैसे 47वां साल का अगस्त महीना और 15 अगस्त चल रहा है 47वां में, अभी 47वां पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो पूरा होगा कब जाके, 21 दिसंबर आ जाएगा तब, तो अभी उसका गणना करेंगे 47वां साल में। अब देखिएगा आप पढ़े थे 6ठा महीना तक 6 माह का जो है सामान्य वर्ष में, ये 47 जो है सामान्य वर्ष है, 1947 सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो सामान्य वर्ष में 6ठा महीना तक 6 दिन अतिरिक्त दिन होता है, यानी जून तक का तो डायरेक्ट आपका हो गया 6 दिन, ध्यान से समझिए, जून तक का 6 दिन हो गया, जुलाई का, जुलाई 31 दिन का लगता है ना, जून के बाद जुलाई आता है, तो जुलाई 31 दिन का 3 दिन हो जाएगा, और अगस्त का, अगस्त में पूरा अगस्त थोड़ी लेना, अगस्त 15 अगस्त तक का लेना, यानी 15 दिन अगस्त में, तो अगस्त में 15 दिन काउंट करेंगे, तो 15 दिन का 7 × 14 एक शेष बचता है, तो अगस्त का 1 आ जाएगा। अब देखिए आपका कहानी खत्म है, अब जरा 1900 का हम लोग गणना करेंगे, 1600 का तो 0 हो जाएगा, 300 का 5 × 15 एक दिन, दिमाग लगाइएगा, कंसेप्ट होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, 100 वर्ष का 5 दिन, अब देखिए यहाँ से 1600 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा 300, तो 300 के लिए 100 का 5 दिन, तो 300 का 5 × 15 दिन, 15 दिन का 1 दिन, 15 दिन का 1 दिन, गिन के लिख देना आपको। फिर आ जाइए यहाँ से 46 वर्ष, अब हर एक पद में 7 से भागा दीजिए, या 7 बनाइए या 14 बनाइए, खत्म कीजिए उसको, अभी 6 और 1 7, ध्यान से दीजिएगा, 6 और 1 7 हो जाता है, तो 6 और 1 मिलके जब 7 हो जाएगा, तो 7 का अतिरिक्त दिन 0 हो जाता है, तो जरा सा समझिएगा, 6 और 1 मिलके 7 हो गया, 0 हो गया, उसको हटा दिया मैंने 0 को, 0 को जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। अब इसमें 7 से भागा दे के शेष निकालेंगे, 7×6 = 42, तो 4 बचेगा शेष, ध्यान से समझिए। फिर 11 में आइए, 7 × 7 4 बचेगा शेष, 4 लिख दीजिए, उसके बाद में इधर क्या बच गया, इधर 3 बच गया, 6 और 1 तो 7 बन गया, 7 का 0 हो जाता है, तो आपको 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 0 जोड़ने से। अब देखिएगा 4 और 3 फिर 7 बन गया, ध्यान से समझिएगा, 4 और 3 फिर 7 बन रहा है मेरा, तो उस 7 को हटा दीजिए, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गया, अब 4 और 1 कितना बच गया, 5 बच गया, तो ये 5 हमारा अतिरिक्त दिन आ गया, है ना, तो 5 अतिरिक्त दिन आ गया, यानी सप्ताह का 5वां दिन मेरा होगा, सप्ताह का 5वां दिन समझिएगा ध्यान से, सप्ताह का 5वां दिन शुक्रवार पड़ेगा,
है ना, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगल, तीसरा दिन गुरु, चौथा दिन बृहस्पति, पांचवा दिन शुक्र। ये शुक्रवार पड़ेगा, ये आसानी से आप देखिएगा निकल गया। हम लोग जो आजाद हुए थे शुक्रवार के दिन आजाद हुए थे, मेरा देश जो आजाद हुआ था वह शुक्रवार को आजाद हुआ था। ये 15 अगस्त 1947 को जो है हम लोग शुक्रवार को आजाद हुए थे, ये निकल गया। ऐसा बहुत सारा डेट है, आप निकाल सकते हैं, अपना जन्म तिथि भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ निकाल सकते हैं। आप जरा एक दो ध्यान दीजिएगा, अभी सुशांत सिंह जो है 14 जून को सुसाइड कर लिया, या जो भी हुआ उसके साथ में हत्या सुसाइड है ना, तो 14 जून 2020 को कौन सा दिन था जरा इसको भी निकाल सकते हैं। 14 जून 2020 को कौन सा दिन था, ये सुशांत सिंह राजपूत का जो है निधन है इसमें, याद या इसको हत्या करने या एंडिंग जो भी समझे, लेकिन आपको 14 जून की घटना है, तो वो कौन सा दिन था जो इस बिहार के सपूत इस संसार में नहीं रहे, है ना, तो आपको ये जानना चाहिए। देखिए कंटेंट दे है इसका भी निकल सकता है, तो कुछ नहीं, 2000 बीत गया, ध्यान से समझ लेगा, 2000 बीत गया, 20वां साल में जून महीना चलिए रहा है, 20वां साल पूरा नहीं हुआ, 20वां साल पूरा होगा 31 दिसंबर को जाकर के, तो अभी तो ये 20वां साल है पूरा नहीं, तो 19 से गणना करेंगे, और 19 साल में लीप कितना हो गया उसको समझिएगा, 19 साल में 4-4 साल पर लीप लगेगा, तो आपको 4 चौका 16, 4 5 20 ज्यादा हो जाता है, 4 चौका 16, 4 बार लगा तो 4 लीप हो गया। अभी ये तो हो गया पूर्ण वर्षों का, आप देखिएगा जो अधूरा वर्ष रहा, अभी अधूरा वर्ष 20वां है, 20वां साल पूरा अभी नहीं हुआ, जून महीना चल रहा, तो आप इसको जनवरी से भी जोड़ सकते हैं, 20वां साल लेकिन लीप वर्ष है ना, तो आपको देखिएगा जनवरी का 3 दिन हो जाएगा, फरवरी का आ जाइए, फरवरी इसमें 1 दिन आएगा, 29 का लगेगा, क्योंकि 20वां साल जो है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 का लगता है, तो आपको ये फरवरी का 1 दिन आ जाएगा। लीप वर्ष में ही लोग गड़बड़ाते भी हैं, है ना, लीप वर्ष को नहीं ध्यान देने के कारण ही गलती होता है, इसलिए वर्ष को ध्यान देना जरूरी है कि लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, और कहीं त्रुटि आपसे होगी नहीं, तो ये मान करके चलिएगा। अभी आपको देखिएगा कि इसमें जो है आपको 1 दिन हो गया आपको फरवरी का, जनवरी का 3 दिन हुआ, फरवरी का 1 दिन, मार्च 31 का लगेगा तो इसका 3 दिन होगा, अप्रैल आपको 30 का लगेगा तो 2 हो जाएगा अप्रैल, मई 31 का लगेगा तो 3, और जून पूरा नहीं लगा, जून में 14 जून तक ही आपको डेडलाइन खत्म हो जाता है, यानी वहां तक जाके खत्म, तो जून पूरा 30 दिन नहीं लेना, जून तो 14 तारीख तक बीता है, तो आपको 14 जून तक का लेना है, 14 जून का 14 में भागा 7 से देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये केवल समझदारी होनी चाहिए, सारा कुछ समझदारी से काम निकल रहा, ये 2000 का 0 हो जाएगा, 400 800 1200 1600 2000, ये आपका 0 बन जाएगा, आप जरा समझिएगा, इसमें 7 से भागा देंगे तो 7×6 = 14, तो 14 तो 5 शेष बच गया, फिर यहाँ 4 का 4 होगा क्योंकि 4 में तो 7 से भागा लगेगा नहीं, तो ये 4 का 4 ही रह गया, अब इधर जरा 7 बना के हटावल कर लिए, है ना, जैसे देखिएगा 7 का 0 हो जाता है, तो ये 3 1 3 1 3 3 6 1 7, ये तीनों देखिए कट जाएगा, 7 बन जाएगा मतलब 0 हो जाएगा, है ना, तो इसको हटा देना, कहीं से भी 3 को चुन के 2-3 को रह जाता, तो अब 3 और 2 कितना हो गया, 5 आ गया, आप देखिएगा इसको जोड़िए, 5 5 10 और 4 14, जरा सा समझिएगा, 5 और 5 10 और 4 14, 14 दिन आ गया, और 14 दिन फिर ज्यादा है 7 दिन से, उसको भी कम करना है, तो 14 दिन में 7 से आपको इसमें जो है 7 से भागा देके शेष निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 दिन आ गया आपको, है ना, और 0 दिन आ गया तो समझिएगा कि रविवार हो जाएगा, यानी सुशांत सिंह राजौर जो है रविवार को जो है उसका हत्या हुआ, निधन हुआ, हैंगिंग हुआ, जो समझे, ये निकल गया उसका, तो आप बहुत सारा डेट निकाल सकते हैं। पिछले वर्ष जो है आपको भारत सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया था, भारत से जो है 370 धारा हटाए थे, तो उसका भी जान सकते हैं, वो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, आप उस तिथि को भी याद कर सकते हैं कि 5 अगस्त 2019
को कौन सा दिन था, ध्यान दीजिए उसका भी निकलेगा। जैसे आपको है 5 अगस्त, 5 अगस्त 2019 है ना, इसका भी निकल जाएगा आपको, अध्ययन रखिएगा बढ़िया से। अभी लिखिएगा 5 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था ये समझना है ना। तो आपको सबसे पहले 2000 हो गया, 2000 बीत गया, 2000 के बाद 18, 19 को अभी अगस्त चल रहा है तो 18 ही लेंगे। अब 18 साल में लीप 4-4 साल पर 4 चौका 16 चार बार लगेगा, ये 4 हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ से देखिएगा जून तक का 19वां जो है सामान्य वर्ष है, 19वां साल सामान्य होता है, 4 से नहीं कटता है। आपको जो है जून तक का आप जानते हैं कि 6 दिन हो जाता है, तो जून तक का तो हो ही गया 6 दिन, 6ठा महीना तक 6 दिन होता है, कंसेप्ट आप बना दिए हैं आप लोग के दिमाग में, तो जून तक का 6 दिन हो गया। जुलाई का आपको 3 दिन हो जाएगा, 31 का लगता है। अब अगस्त में 5 दिन लेना है, पूरा अगस्त थोड़ी लेना है, अगस्त तो 5 ही अगस्त तक जाना है, तो अगस्त का 5 दिन हो जाएगा। अब जरा सा समझिएगा, 2000 का हमारे पास में 0 हो जाएगा, 2000 का 0 आप जान रहे हैं, 2000 का 0 है ना, है ना, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में आप समझिएगा ये 18 का 7 से भागा दीजिए, 7 से भागा देंगे तो 7 × 14 4 बचेगा है ना, फिर ये 4 का 4 ही रहेगा। अब फिर ये देखिएगा 5 × 3 = 8 = 6 = 14 हो रहा है, 14 का तो 0 हो जाता है, 6 × 3 = 9 + 5 = 14 7 रहेगा, 14 रहेगा, 21 रहेगा, 28 रहेगा, 35 रहेगा, इस सबका तो 0 हो जाता है। तो 7 दिन का 14 दिन का 14 दिन का आपका 0 हो गया है ना, 6 × 3 = 9 + 5 = 14 14 दिन का 0 बन जाएगा, तो ये आपका 14 दिन का तो 0 दिन हो जाएगा। अब आपको 4 4 कई दिन हो गया 8 दिन, आप बताइए कि 8 दिन जो है 7 से बड़ा मान है, इसमें भी 7 से भागा देके शेष निकालना, तो 7 से भागा देके शेष निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 × 7 1 शेष बचेगा। अब आपको 1 आया, इसका मतलब सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन सोमवार है ना, तो इसका जवाब हो जाएगा सोमवार है ना। आनी आपको सावन के सोमवार को जो है सोमारी पूजा होता है, सावन में शंकर भगवान का जानते होंगे, हम लोग देवघर गए हुए थे उसी समय जो है सोमवार को जो है इसको हटाया गया था है ना। ये सोमवार को जो है सोमरिया पूजा जो होता है उसी दिन सोमरिया को जो है आपको भारत से 370 धारा है ना और 35 को हटाया गया था, जम्मू कश्मीर को भारत का जो है एक कानून, भारत के एक कानून के अंतर्गत लाया गया, वहाँ ऐसे अलग कानून चलता था जम्मू कश्मीर में। तो ये अध्ययन होना चाहिए आपको, बहुत सारा डेट पड़ा हुआ है इस इतिहास में है ना, जो कि आप उसका सप्ताह का दिन नहीं जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं। आप अपना जन्म तिथि भी निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही हम पूछ लेते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपको जो है 31 दिसंबर पूछा हुआ प्रश्न है आपको, देखिएगा 31 दिसंबर है ना 1800 को कौन सा दिन था, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो अभी तक जो गणना कर रहे थे थोड़ा सा डिफर है, उसको समझना है। अब ये 1800 शताब्दी जो है एकदम पूरा हो गया, 1800 वर्ष पक्का पूरा हो गया, क्योंकि तारीख जो लिखा हुआ है वो 31 दिसंबर लिखा हुआ है। आप जानते होंगे वर्ष पूरा होता है 31 दिसंबर को और शताब्दी भी पूरा होता है 31 दिसंबर को है ना, ये भी आपको पूरे पूरी लिखा है। जैसे 1800 माने 1800 यानी ने ज्यादा किया है ना कम किया, तो पहला काम है कि 1800 पूरा मान लेंगे कि 1800 भाई 31 दिसंबर आ गया तो 1800 पूरा हो गया। 1800 पूरा होने के बाद में कितने साल, कोई भी साल नहीं बचा, 1800 पक्का पक्की पूरा हुआ, 1800 के बाद जो है कुछ भी नहीं है, तो आगे कुछ भी नहीं होगा, आगे कुछ भी नहीं होगा आपका, क्योंकि 1800 साल पक्का पक्की पूरा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं है। तो आगे कुछ नहीं है, न साल है, न लीप है, न अधूरा वर्ष का दिन है, कुछ नहीं है। तो आपको ये 1800 साल हुआ, 1800 का अतिरिक्त दिन निकालना, 1600 तक तो 0 हो जाएगा, 400, 800, 1200, 1600, 1600 जीरो हो गया, तो 1600 जीरो 200 बचा, तो 200 बचा तो 100 का 5 दिन, तो 200 का 10 दिन, 10 दिन का मतलब 3 दिन, 100 का 5 दिन, तो 200 का 10 दिन, 10 दिन का मतलब 3 दिन,
ये तीन दिन आ गया, तीन दिन आया मैंने कौन सा बार हो गया, बुधवार हो गया। तो ये सब समझना है आपको, अध्ययन रखना है, बहुत आसानी से निकलता है आपको, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। मान लीजिए कि आपको ऐसा रहे, डेट तो 31 दिसंबर दे, 31 दिसंबर, और मान लीजिए कि 1293 को कौन सा दिन था, ये भी निकल जाएगा। देखिए बहुत जटिल क्वेश्चन टाइप का लगता है आप लोग को, है ना, जो लोग मतलब कि जो है ट्रिक से याद करते थे, कोड से याद करते थे, कोड कोड वाले से ये क्वेश्चन हल नहीं होगा, उनको 1293 जाने में बहुत समस्या उसको होगी, है ना। तो ये सब अध्ययन होना चाहिए। आप देखिएगा हम लोग कंसेप्ट से इसको हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ये 1200 साल बीत गया, 1200 साल बीत गया, अब जरा सा देखिएगा 93 अधूरा नहीं है, 93 का 31 दिसंबर आ गया है, इसका मतलब 31 दिसंबर आ गया माने पूरा हो गया। तो ये 93 साल पूरा हो गया, और 93 साल में लीप कितने लगे हैं, है ना, 4-4 साल का लीप होता है, तो 2392 तो आपको 23 वो लीप हो जाएगा। अब जरा इसके बाद अधूरा साल और कोई बचा, कुछ नहीं, तो पूरा हो गया 93, तो आपका और आगे कुछ बचा नहीं, तो आगे गणना नहीं कुछ करना है, पूरा हो गया। अब 1200 साल का आप जानते होंगे जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, इसमें 7 से भाग देके छोटा करेंगे, है ना, तो 6391, है ना, 6391 तक तो कट गया, 91 तक कट गया, उसके बाद 2 और बच गया, है ना, शेष 2 बचा, और 7 + 21 2 और बचा, तो 2 और 2 मिला के 4 हो गया, 4 माने सप्ताह का चौथा दिन, सप्ताह का चौथा दिन आप समझ रहे हैं कि बृहस्पतिवार होता है ना, ये चीज समझना है आपको। तो ये सब आपको अध्ययन होना चाहिए कि कैसे निकलता है, तो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीका से इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अभी और ध्यान दीजिए, 2-4 प्रश्न और आपको बता रहे हैं जो कि आपको मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का तिथि आप बता सकते हैं कि आज कौन सा डेट है ना, मोबाइल में देख करके आप बता सकते हैं। चलिए आज का नहीं, कभी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको कहेगा 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 1391 को कौन सा दिन था, है ना, देखिए 1 जनवरी 1391, तो बहुत बल पहले वाला है सर आप बता रहे हैं, तो कोई पहले रहे, बाद रहे, वर्तमान रहे, आगे रहे, पूछे रहे, भूत रहे, भविष्य रहे, कुछ भी रहेगा आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट और दिमाग एकदम क्लियर है। आप 1300 आपका हो गया, आप 1300 के बाद आप गिनेंगे तो 91 हमारा अधूरा है, क्योंकि 91 दिसंबर 31 दिसंबर को पूरा होगा, तो 31 दिसंबर तो अभी आया नहीं है, तो 91 अधूरा है, तो 90 तक हम लोग गिनेंगे, है ना, अब 90 साल में लीप 4-4 साल पर कितना बार लगेगा, तो 2288 में लीप लग गया। अब इसके बाद जो है आपको जो है 91 साल में कितना दिन हुआ, 91 साल के जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी महीना में अभी 1 दिन हुआ, फर्स्ट महीना है, 1 दिन हुआ, तो 1 ही दिन गिनाएगा, तो आपको 91 साल में मात्र 1 दिन अभी हुआ, है ना, 91 साल जो अधूरा है इसमें मात्र जनवरी में 1 दिन हुआ, है ना। अब देखिएगा 1300 + 1200 का तो जीरो हो जाएगा, तो 1200 का जीरो है, 100 का जानते हैं 5 उंगलियां होता है, ये 5 हो गया आपको जो है ना, 1200 तक जीरो, 1300 है तो 1200 + 100, तो 1200 का जीरो 100 का निकालना है, 100 का 5 होता है, ये 5 हो गया। हाँ जरा समझिएगा, इसको आप भागा देंगे आप 7 से, है ना, तो 7 से भागा देंगे तो जो है आपको जो है बरसते 84 बचेगा, है ना, बरसते 84 के बाद 6 बचेगा, 6391 ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ 7 से भागा देंगे, 7 + 21 1 बचेगा, और फिर इसमें तो भागा लगेगा नहीं, तो वही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। अब 6 और 1 मिलके 7 हो जाता है, 6 और 1 मिलके 7 बनेगा, 7 का अतिरिक्त दिन 0 हो जाता है, तो बच गया 5 और 1 मिलके 6 बच गया। अभी आपको 6 का मतलब सप्ताह का छठा दिन, सप्ताह का छठा दिन शनिवार होता है, तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए, ये सही हो गया, जवाब निकल गया आपका। तो ये बहुत ही आसानी से आपको निकलता है, बहुत सिंपल थिंकिंग है, और इसी कंसेप्ट पर आपको पूरा का पूरा जो है आपको कैलेंडर डिपेंड करता है। पहले आप इसमें अनुभवी हो जाइएगा, बनाते बनाते पूरा जब बना लीजिएगा तो आपको जो है पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा।
अभी देखिएगा आपको जो है 12 मार्च, आप जानते होंगे महात्मा गांधी जी जो है नमक आंदोलन शायद किए थे 12 मार्च 1930 को, है ना? ये उसका दिन निकालिए 12 मार्च 1930, है ना? तो सबसे पहले 1900 बीत गया, 30वां साल पूरा नहीं हुआ तो 29 तक गणना करेंगे। 30वां साल का तो मार्च ही चल रहा है ना, 31 दिसंबर को पूरा होता है कोई भी साल, तो मार्च चल रहा है 30वां में, तो 29 तक गणना करेंगे पहले, बाद में करेंगे उसको 30 वाला का भी करना होगा लेकिन बाद में होगा, अभी हम लोग पूर्ण वर्ष का करते हैं। और 29 वर्ष में जो है कई वो लीप लगेगा, 4-4 साल पर 7×4=28 होता है, तो 7 गो लीप लगेगा। अब 30वां साल में हम लोग गिनेंगे, तो 30वां साल में जनवरी का बताइए 3 दिन हो जाएगा, है ना? अब 30वां साल लीप नहीं है तो फरवरी का आपको 0 दिन होगा 28 दिन का। और मार्च में आपको कई दिन का गणना करना है, 12 दिन का, पूरा मार्च का गणना नहीं करना, 12 तारीख का गया तो मार्च में 12 तारीख का गणना करेंगे, तो 12 तारीख का हो जाएगा आपको जो है 7×7=12, 5 दिन और आ जाएगा। तो सारा कुछ तो एकदम क्लियर है। 1900 का आपको लिखना है 1600+300, 1600 का 0, 300 का 100 का 5 दिन, तब 300 का 15 दिन, 15 दिन का 1 दिन दिमाग में होना चाहिए आपको, एको को याद है कुछ भी, 100 का 5 दिन, तो 300 बचा तो 5×3=15 दिन, 15 दिन का 1 दिन हो जाएगा, तो 1900 का 1 दिन हो गया। 7×28 तक 1 दिन ही वाला बचा, आई 7 दिन का 0 दिन हो जाता है, आई 5×3=8 दिन हो गया। अब यहाँ से देखिएगा ई एक दिन, ई 0 दिन, आई 8 दिन का 1 दिन आ जाएगा, या सबको जोड़ भी सकते हैं, जैसे 8, 1, 9, 1, 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बाहर दीजिए, है ना? अभी आपको जैसे भी मन है, आपको छोटा बनाना है 7 से। अब देखिएगा आपको जो है ये 7×7 तो 3 दिन बचेगा, है ना? 3 दिन का मतलब सप्ताह का तीसरा दिन मतलब कि आपको जो है बुधवार हो गया, है ना? पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार हो जाएगा। तो ये सब अध्ययन आपको होना चाहिए कि बुधवार आपका जवाब हो गया, आंसर निकल गया, तो पक्का ज्ञान आपको रहेगा, तो कभी तकलीफ होने वाला नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई डेट क्रिएट करके आप बना सकते हैं उसको, बहुत सारा डेट है, जन्मतिथि अपना निकाल सकते हैं, कोई किसी के जन्म कुंडली में मान लो कि डेट नहीं लिखा हुआ है तो अभी निकाल सकता है। अब जैसे मान लीजिए 18 दिसंबर होने वाला है ये, है ना? 18 दिसंबर 1691 को बताइए, ऐसे करते हैं, है ना? अब यहाँ पर सारे का बनेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा आपको 1600 का तो 1600 हम लिखेंगे, अब 91 जो है अभी दिसंबर में 18 तारीख तक दिया है, 18 दिसंबर को साल पूरा नहीं होता, साल पूरा होता है किस तारीख को, 31 दिसंबर को, तो ये आपको 91 को अधूरा मानेंगे तो 90 तक गिनाएगा, है ना? 91 को अधूरा क्यों मानेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को साल पूरा होता है, 31 दिसंबर 91 नहीं है, इसका मतलब अधूरा। अब आपको समझिएगा कि 91 90 हो गया, 90 साल का हम गणना कर रहे हैं तो 2288 को लीप लग जाएगा इसमें। अब 91वां साल जो हमारा बचा, 91वां साल में जो है लीप नहीं है तो 365 दिन होगा ना, तो इसमें 365 दिन में कई दिन कम जाएगा, उसको निकाल देंगे, है ना? आप इसको और तरीका है, जैसे 91वां साल हर एक साल में 1 दिन होता है, 1 साल का 1 दिन होता है, है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 365 दिन ले सकते हैं, ऐसे देखिएगा 365 दिन ले सकते हैं, और 365 ले सकते हैं, और 18 दिसंबर तक गणना करना था, आपने पूरा साल 365 दिन गिन लिया, तो एक्स्ट्रा 18 दिसंबर के बाद आपने कितना ज्यादा गिन लिया, तो ये आपको जो है 31 दिन का दिसंबर होता है जिसमें 18 तक गिनना था, तो फालतू क्या गिना, 31 दिसंबर में 31 दिन होता है और 18 दिसंबर तक गिनना था तो एक्स्ट्रा गिना, है ना? तो 13 दिन 31 में से 18 घट गया, 13 दिन फालतू गिना, तो ये 13 दिन घटा करके बना सकते हैं ऐसे करके। और भी दिमाग है, केवल यही नहीं है, और भी दिमाग है ना, उसके हिसाब से बना सकते हैं, है ना? आप देखो इस हिसाब से बनाते हैं, फिर एक्स्ट्रा दिमाग से भी आपको बना के दिखाते हैं। अभी आपको समझिएगा ये 1600 है तो ये 1600 का 0 दिन हो जाएगा, 90 का आपको जो है 7 से भागा दीजिएगा, आपको 7 में भागा पड़ेगा,
अब यहाँ से सात से भागा देंगे तो आपको जो है बढ़ सकते चौरासी, चौरासी का छः बच जाएगा, सात ही इक्कीस तो एक बच जाएगा। अब इन्हें घटा दीजिए, पैंसठ में तीन में से जाएगा दो तो पाँच और तीन, तीन सौ बावन दिन हो जाएगा। अब छः या एक मिल के सात हो गया तो जीरो बन जाएगा। अब जरा इसमें सात पचे पैंतीस है ना, ये दो शेष बचेगा, सात पचे पैंतीस कटेगा दो आ जाएगा, दो आ जाएगा का मतलब कौन दिन हो गया, मंगलवार हो गया। तो एक तरीका देखिए यहाँ पर हुआ, एक तरीका और मैंने कहा कि यहाँ रिप्रेजेंट हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है ना। देखिए ऐसे तीन सौ पैंसठ में घटा देंगे जितना दिन फालतू रहेगा, और जरा सा आइएगा अभी आपको जो है जैसे मान लो एक साल का जो है पूरे वर्ष का एक दिन होता है, पूरे वर्ष का एक दिन होता है तो आपको पता होना चाहिए पूरे एक साल का सामान्य वर्ष में एक दिन, और लीप वर्ष में जो है अतिरिक्त दिन दो दिन होता है। तीन सौ पैंसठ दिन का रहेगा तो एक दिन, और तीन सौ छियासठ दिन यानी लीप वर्ष रहेगा तो आपको दो दिन होता है। तो उसके हिसाब से भी यहाँ ले सकते हैं, जैसे ये तो इक्यानवे हमारा जो है आपको सामान्य वर्ष है तो एक दिन हो गया, और इसमें घटेगा आपको जितना फालतू है वह, तो फालतू कितना है इसको समझिएगा, फालतू आपका हो गया आपको 18 दिन के बाद 13 दिन, तो 13 दिन हमारा माइनस हो जाएगा, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब जरा सा यहाँ पर देखिएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, और इसका आप कर लीजिए, इसका जो है आपको बरसत है चौरासी, छः बच जाएगा, और इसको आप रहने दीजिए क्योंकि 13 घटाना भी तो है, जैसे इसको भी छोटा बना लीजिएगा तो घटेगा 13 कैसे है ना, तो एक आग जो है रहने दीजिए। आपको जो है ये प्लस वन है, जैसे इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 22 में से 13 घट गया है ना, तो 9 बचेगा है ना, 22 में से 13 घट गया तो 9 बचेगा, ये प्लस वन हो जाएगा है ना। अब जरा सा समझिएगा कि 1 और 6 मिल करके आपको 0 हो जाएगा है ना, तो ये 9 दिन बच गया, 9 दिन का 2 दिन आएगा, 2 दिन का मंगलवार हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा ठीक है सर तो दिसंबर वाला 365 में घटा के निकाल लेंगे, हो सकता है अगर उससे पहले नवंबर रहे तो आप कैसे करिएगा है ना, नवंबर महीना में आप अटकिएगा, हम कोई भी महीना में अटकने वाले नहीं हैं। तो ध्यान देना आपको, जैसे मान लीजिए कि 16 नवंबर है ना, तो 16 नवंबर जो है मान लीजिए कि आपको 1846 को कौन सा दिन था है ना, ये निकालना है। अभी देखिएगा ये भी निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो है ये 1800 है तो पहले हो गया 1800 है ना, 1846 नहीं 45 तक लेंगे क्योंकि अभी बीता नहीं, 45 साल लिख गया, 45 साल में लीप लगेगा 1144 तो 11 हो जाएगा, और 46वां साल में नवंबर तक गिनना है तो नवंबर यानी साल पूरा होने को है, तो 46 मान लो पूरा हो जाएगा तो 46 में होगा 365 दिन, और इसमें से घटा देंगे कौन कौन, ये नवंबर जितना एक्स्ट्रा गिने हैं, नवंबर 30 का होता है तो 14 दिन ज़्यादा गिन लिए नवंबर में, 16 नवंबर तक गिनना था गिन लिए 30 नवंबर तक, तो नवंबर में 14 दिन ज़्यादा गिना गया वो माइनस होगा है ना। उसके बाद में जो है आपको दिसंबर का 31 दिन माइनस हो जाएगा है ना, ये दोनों जोड़ के माइनस कर सकते हैं, 31 दिन ही हो जाएगा, यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं जो है ना, माइनस कर देना है उसको। अब यहाँ से देखिएगा इसको जो है 1800 का 1600 का तो जीरो होगा, 200 का तो 200 का पाँच दुनी 10 दिन, 100 का पाँच दिन तो 200 का पाँच दुनी का 10 दिन, 10 दिन का एक दिन हो जाएगा, 10 दिन का तीन दिन हो जाएगा है ना, ये तीन दिन निकल गया। अब यहाँ से आ जाइएगा आपको जो है सात पचे पैंतीस सात छः बयालीस तो तीन दिन बचेगा, सात एक सात चार ग्यारह बचेगा, और 365 में 45 घटेगा है ना, तो 45 घटेगा तो जीरो दो और तीन, 320 दिन बचेगा। अभी आपको चार दिन और तीन दिन मिला के सात दिन होता है, ख़त्म हो गया ये तीन बचा, तो जोड़ दीजिए इसको, इसको 320 और तीन 323 हो जाएगा है ना, 323 दिन हो जाएगा, इसमें सात से भागा देंगे सात सौ 28 लगेगा, चार बचेगा सात छः 42 हो जाएगा, तो एक शेष आएगा, एक शेष आया का मतलब कौन दिन हो गया, सोमवार हो गया है ना।
ये किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं, कोई भी डेट रहेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको समझ होनी चाहिए, आपको शुरू का महीना रहे चाहे बीच का महीना रहे, बीच का महीना रहेगा तो जून वाला ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको रह गया जून तक, तो हम लोग जानते हैं 6 दिन होगा या 0 दिन होगा। मान लीजिए कि आपको ऐसा है 18 जुलाई, है ना, 18 जुलाई 2016 को कौन सा दिन था, है ना। तो आपको 2000 का करना हो जाएगा, फिर 16 साल गिनेंगे कि 15 साल गिनेंगे, 15 साल गिनेंगे। अब 15 साल में लीप कितना लगेगा, 4-4 साल पर लगेगा, तो 4 × 12 तीन बार लगता है। अब देखिएगा इसमें आपको 16वां साल में जुलाई तक गिनना, तो जरा सा ध्यान देंगे 16वां साल लीप वर्ष है तो जून तक पहले गिन लेते हैं। जून 6ठा महीना होता है, 6 महीना का 6 दिन होता था, लेकिन ये लीप वर्ष है तो 6 दिन नहीं होके 0 दिन हो जाएगा, है ना। तो जून में आपको 6 दिन नहीं होके 0 दिन होगा, जून तक 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, तो 30 जून तक आपका 0 दिन हो गया। और जुलाई में 18 दिन, तो जुलाई में 18 दिन है तो 18 दिन का आप बता सकते हैं, 7 × 2 = 14 है, 4 × 18 ये 4 आ जाएगा। अब ये वाला 4 × 3 मिल के 7 होता है, 2000 का 0 हो गया, है ना, 2000 का 0 हो गया, 15 का आपको 1 आ जाएगा, 7 × 2 = 14 = 15, और तो कुछ बचा नहीं, तो 1 दिन आया, 1 दिन मतलब सोमवार हो गया। तो बहुत आसानी से निकलता है, बिना कोड के ही निकलता है। आपको समझ होनी चाहिए, कंसेप्चुअल समझ यदि है तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल बहुत आसान है, और पूरा कैलेंडर इस पर निकलता है। और बहुत सारा प्रश्न है, केवल इसी टाइप का नहीं होता, और सारा प्रश्न को हल करने में काफी सहायक है, लेकिन इसमें अनुभव होना चाहिए, आपको बनाना पड़ेगा, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब अध्ययन रखना है आपको। मान लीजिए कि आपको ऐसा रहता है 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 1300 को सप्ताह का कौन सा दिन था, है ना। तो 31 दिसंबर ऐसा डेट है कि जिस दिन जो है साल भी पूरा होता है, वर्ष भी पूरा है, साल वर्ष साल पूरा होता है, शताब्दी और दशक भी पूरा होता है उसी दिन। तो ये पूरा पूरी हो गया, कितना, 1300 को पूरा पूरी हो गया, क्योंकि 31 दिसंबर लगा हुआ कि अधूरा है ही नहीं, ये 1300 पक्का पक्की बीता। 1300 के बाद कितने वर्ष हुए, तो कितने वर्ष कुछ नहीं, पूरा हो गया एकदम पक्का पक्की, पूरा हुआ ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, तो 1300 के बाद कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं गिनना है उसके बाद। 1300 का आप बता सकते हैं कि आपको 1200 का जीरो होता है, है ना, 1200 का जीरो हो गया तो 1300 का क्या होगा, तो 1300 का जो है आपको 100 बरस बचता है, 1200 का जीरो 100 बरस का 5 दिन होगा, और 5 दिन का मतलब शुक्रवार होगा, 5वां दिन होगा, है ना। पहला दिन के लिए सोमवार, दूसरा दिन के लिए मंगलवार, तीसरा दिन के लिए बुधवार, चौथा दिन के लिए बृहस्पतिवार, 5वां दिन के लिए आपको जो है शुक्रवार। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छा से सीखा है। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज यहीं तक, धन्यवाद।